देश के पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह और पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस वैद्य की हत्या में शामिल रहा खालिस्तान फिर से चर्चा में है। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के बयानों ने राजनीति एक बार फिर गर्मा दी है। आखिर क्या है खालिस्तानियों की मांग? खालिस्तान आंदोलन की कहानी 1929 में शुरू हुई। कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखते हैं, जिसका विरोध मुस्लिम लीग, दलित और शिरोमणि अकाली दल ने किया। इसी बीच स्वतंत्र भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने उनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया। साल 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया, जिसके बाद चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब के कुछ पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। लेकिन इस बड़े फैसले से कई लोग नाखुश थे। यह आग अंदर ही अंदर बढ़ती रही और अप्रैल 1980 को निरंकारी नेता बाबा गुरुचरण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भिंडरावाला सहित 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस आंदोलन से अकाली दल को खूब राजनीतिक फायदा मिला। तभी 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए ज्यादा अधिकार और अलग संविधान की मांग रख दी। खालिस्तानियों के खिलाफ लेख लिखने पर 1981 में पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। इसमें भिंडरावाला का नाम सामने आया। इस मामले में 1981 को भिंडरावाला ने सरेंडर किया, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। जनरल सिंह भिंडरावाला की आखिरकार मांग क्या थी? क्यों इसका नाम एक के बाद एक मामलों से जुड़ता गया? आनंद साहिब रेजुलेशन का कट्टर समर्थक रहा भिंडरावाला आगे चलकर आतंकी बन गया, जो हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने के लिए उकसाता था। उसका मानना था कि इससे सिखों की समस्या का हल हमेशा के लिए हो सकता है। फिर आगे चलकर उसने 1982 में शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिलाकर असहयोग आंदोलन शुरू किया। अगस्त 1982 में भिंडरावाला ने धर्म युद्ध मोर्चा लॉन्च किया, लेकिन इसी बीच 1983 में जलंधर की डीआईजी एएस अटवाल की गोल्डन टेंपल की सीढ़ियों पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पीएम रही इंदिरा गांधी ने भिंडरावाला को पकड़ने के लिए स्नैच एंड ग्रेब ऑपरेशन को मंजूरी दी, लेकिन किसी वजह से उसे बीच में ही रोकना पड़ा। फिर अक्टूबर 1983 खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने लालरू में बस रोककर 74 हिंदू यात्रियों को अलग किया और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसी बीच भिंडरावाला ने अपना ठिकाना अमृतसर में अकाल तख्त को बनाया, जिसे पकड़ने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। 5 और 6 जून 1984 में हुए इस ऑपरेशन में भिंडरावाला और उसके समर्थकों के शव बरामद किए गए। इस ऑपरेशन में 493 उग्रवादी और नागरिक मारे गए, लेकिन सिख संगठन दावा करते हैं कि कम से कम 3000 लोग इसमें मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कई सिख नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके दो सिख बॉडीगार्ड कर देते हैं। और फिर एक साल बाद 23 जून 1985 में कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ा दिया, जिसे भिंडरावाला की मौत का बदला करार दिया जाता है। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य की दो बाइक सवार आतंकियों ने हत्या कर दी। इतना ही नहीं, 31 अगस्त 1995 को सुसाइड बॉम्बर पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के पास खुद को उड़ा देते हैं, जिसमें बेअंत सिंह की भी मौत हो जाती है। तो ये थी सिख हिंसा की वो कहानी जिसने हिंदुओं की सामूहिक हत्या की।